What's up everyone? Very very good, good, good and good evening everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस जबरदस्त सेशन के अंदर, इस ऑसम से सेशन के अंदर. और फटाफट फटाफट इसे शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और बता दीजिए कि आईजी सर लाइव आ चुके हैं. आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे सोगा के इस अमेजिंग से टॉपिक को. अगर हमारा सोगा आज कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और सेशन हमें लगने वाला है सोगा के लिए. वैसे तो चांसेस है कि सोगा आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाए, राइट हो? यस सर, चले आ जाएंगे, शुरुआत करेंगे जबरदस्त तरीके से, एक-एक चीज को देखेंगे और फिनिश ऑफ करते हुए चलेंगे. ओके, परफेक्ट है. यस सर, यस सर, यस सर. चलिए मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो देखिए सर, हम लोग यहाँ पे कौन से चीज़ों को देख रहे हैं. हम लोग अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बोला जा रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए क्या. चलो देखिए, आ जाओ. बस सारे के सारे लोग आ जाएंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को. Then a non-owner can convey a better title to a bona fide purchaser of a goods for a value. ठीक है, एकदम बढ़िया सर, एकदम जोरदार. तो अपन ने क्या बोला यहाँ पे? Non-owner can convey good title to a bona fide purchaser value के लिए. Discuss the case when a person other than owner, क्या बोला है मैंने? Other than owner, ठीक है. Other than owner can transfer the title in goods as per the provision of sale of goods act. मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे, आपसे पूछ रहा है कि कब अगर एक व्यक्ति owner नहीं है बेटा, और फिर भी अगर goods के अंदर का better title वो pass कर सकता है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है. तो मेरे हिसाब से आप समझ गए हो, नेमो डैट क्वैट नॉन हैबैट का ये क्वेश्चन है, और इसके अलावा उसके एक्सेप्शन पूछे गए, है ना. मैं जानता हूँ आप लोगों को, सारे लोगों को सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुकी है. चलिए देखो, ध्यान दीजिए. अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए, नॉन ओनर कैन कन्वे द बोनाफाइड टाइटल फॉर अ वैल्यू कब? जब सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट होता है. अब सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट है तो तीन प्रकार की कंडीशन यहां पे होनी चाहिए. सर कौन सी तीन कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहला पोजेशन में होने चाहिए गुड्स, दूसरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट करना चाहिए, और तीसरा गुड फेथ में सामने वाले व्यक्ति ने काम करना चाहिए. बोलो तीन चीजें क्या है? पोजेशन है, दूसरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और तीसरा गुड फेथ है. जब तीसरा मतलब जो थर्ड पर्सन है वो अगर मर्केंटाइल एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाता है, तो थर्ड पर्सन को बेटर टाइटल मिलता है क्या? हाँ सर, थर्ड पर्सन को बेटर टाइटल यहाँ पे मिल जाता है. ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे हो रही है क्या? आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे. यस सर. सेकेंड वाली चीज अगर मैं बात करूँ, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स. मैंने आपको बताया था कि मैंने और एसके ने मिलकर एक कार को परचेस किया, वो उसका पोजेशन अगर एसके के पास होता है तो एसके क्या उस कार को बेच सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, एसके उस कार को बेच सकती है. ऐसी वाली चीज यहां पे बोली जा रही है गुड फेथ के अंदर. फिर अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का सेल होता है, तो जब तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करते दोस्तों, तब तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है. और अगर आप उसी के दरमियान ट्रांसफर कर देते हैं गुड्स को, तो वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बन जाता है. फोर्थ वाले चीज की अगर मैं बात करूं, ऐसा गुड्स बेटा जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं बट कंटिन्यूज इन द पोजीशन. मैंने आपको बताया था कि हमने मेहता साहब को गुड्स ऑलरेडी बेच चुके थे, लेकिन टीवी अभी भी हमारे पास रखा हुआ था, उतने ही देर में बबीता जी आती है. क्या मैं बबीता जी को गुड्स बेच के बेटर टाइटल कन्वे कर सकता हूं क्या? हां सर, मैं उनको बेटर टाइटल यहां पे ट्रांसफर कर सकता हूं. आई कैन गिव गुड टाइटल टू बबीता जी. ऐसी वाली बात हमने यहां पे देखे थे. बस यही वाली चीज क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 यहां पे कह रहा है. क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर. अब देखिए यहां पे, उसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी टॉपिक इसमें पॉइंट नंबर 5, क्या कर रहे हो यार आईजी सर? आइए देखो, सेल बाय द बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड टू हिम. मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति के पास गुड्स का पोजीशन आ चुका है, तो ऐसे केस के अंदर भले उसके पास प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी क्या वो सामने वाले व्यक्ति को सेल कर सकता है क्या गुड्स को? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कर सकता है. ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है. यस, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे किया जा सकता है. और ये पूरे पॉइंट्स लेके जिसको अपन ने काफी हद तक डिस्कस कर लिए है, इससे
इससे पहले भी, समझे आप बात को। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीजें देख चुके हैं, ऑलरेडी अपने एक्सेप्शंस को डील कर चुके हैं नेमो डैटक्वैट नॉन हैबिट के, बस यही वाली चीज यहाँ पे की गई है। ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे सारे के सारे लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा सवाल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सभी लोग रीड करना स्टार्ट करेंगे। मैं पहले ही बता दूं आज का जो हमारा क्लास है लगभग 1.5 घंटे चलने वाला है, क्योंकि मेरा आज टारगेट है कि सोगा को हम लोग फिनिश ऑफ कर देते हैं आज, है ना। अगर आज सोगा कंप्लीट हो जाता है तो फिर बचता क्या है, सिर्फ पार्टनरशिप बच रहा है और तो कुछ नहीं बच रहा है। एलएलपी तो एक दिन का खेल है ना, तो ऐसी वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। और अगर अपने को मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसा समय मिल गया तो मैं और कुछ बेटर चीज आप लोगों के लिए प्लान फिर कर सकते हैं, या हो सकता है तो हम लोग कुछ अच्छी चीज और प्लान कर लेंगे, है ना। चलो चालू करें, बोलो मुझे जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ सकता हूँ क्या? हाँ सर, आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सभी के सभी लोग फोकस करना स्क्रीन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आ जाओ देखो। Mrs. Woodworth and Associates, a firm dealing with a wholesale and retail buying and selling of a various kinds of wooden logs customized as per the requirement of customers. They deal with a rosewood. अब यहाँ पे कौन से इससे rosewood, mango wood, teak wood and burma wood से बेटा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पे है ना चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, चलो परफेक्ट है। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन कराएगा? हो चुका है बेटा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएंगी, बस उसी वीडियो को फॉलो करते हुए चलिए। L1 के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर L2 के लिंक और मिल जाएंगे, या bit.ly/igsirlive इस लिंक के ऊपर जाइए, वहां पे भी आपको मेरे पूरे सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलो आ जाइए। अब ये हुआ, अब देखो फिर क्या बोला जा रहा है। मिस्टर दास, अ कस्टमर केम टू द शॉप, है ना, एंड आस्क्ड द वुडन लॉग्स मेजरिंग 4 इंच। देखिए क्या बोला, दास आए बेटा शॉप के ऊपर और कहा कि मुझे वुडन लॉग्स चाहिए जो क्या हो 4 इंच ब्रॉड हो और 8 फीट लॉन्ग हो एज रिक्वायर्ड बाय द कारपेंटर। ठीक है सर, एकदम बढ़िया। मिस्टर दास स्पेसिफिकली मेंशन दैट ही रिक्वायर्ड द वुड विच वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग द वुडन डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली सर यहाँ पे बोल रखा है, है ना। यस सर, अब देखो द शॉप ओनर एग्रीड एंड अरेंज द वुडन पीसेस कट इन टू एज पर द बायर रिक्वायरमेंट्स। द कारपेंटर विजिटेड मिस्टर दास हाउस नेक्स्ट डे एंड ही फाउंड दैट द सेलर हैज सप्लाइड मैंगो ट्री वुड विच वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर द पर्पज। द कारपेंटर आस्क्ड मिस्टर दास टू रिटर्न द वुडन लॉग्स एज इट वुड नॉट मीट हिज रिक्वायरमेंट्स। तो इसने कहा है कि भैया मैं वापस कर दूंगा क्योंकि अपने रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंगो ट्री के लकड़े दे दिए गए थे जो ऐसे फुल जाते हैं बेटा, है ना, बारिश के सीजन में फुल जाएंगे, है ना, ऐसी सारी चीजें के साथ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। द शॉप ओनर रिफ्यूजेस टू रिटर्न द वुडन लॉग्स ऑन द प्ली दैट लॉग्स वेर कट इनटू अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मिस्टर दास। ठीक है सर, बढ़िया। अब उसके बाद देखो, मिस्टर दास एंड एंड इट कुड नॉट बी रीसोल्ड। अब दो यहां पे सवाल पूछे गए। सबसे पहला, एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज सेलर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर के अनुसार यहां पे बायर की ड्यूटी बताइए और सेलर की ड्यूटी बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर के अनुसार। ठीक है, दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है, वेदर मिस्टर दास वुड बी एबल टू गेट मनी बैक और व्हाट काइंड ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द सर फॉर हिज पर्पस। तो ऐसे केस के अंदर क्या यहां पे पिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज के रिगार्डिंग यहां पे बात की जा रही है। तो मेरे हिसाब से यहां पे ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सेलर के स्किल्स के ऊपर अपन लोग रिलाय कर रहे हैं, तो फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज आना चाहिए था, ऐसा मैं कह सकता हूं। या दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, गुड्स अगर डिस्क्रिप्शन के मांगे थे तो आप वो भी कह सकते हो। ऐसे कई सारी चीजें यहां पे आ जाती है, हालांकि बेस्ट है फिट फॉर द पर्पस वाली चीज सबसे ज्यादा बेहतरीन बनता है। ठीक है, चलिए आइए इसको बढ़िया तरीके से लिखेंगे। मेरे हिसाब से मजा आएगा इस चीज को लिखने के अंदर, थोड़ा सा इसको एक कैटेगरी में सारे के सारे लोग रखेंगे ताकि आप इसको बाद में है ना बढ़िया से पढ़े करके। ठीक है, चलो आ जाओ, चलेंगे। बोलो जल्दी से आगे बढ़े क्या, सभी लोग बोलो आगे बढ़े क्या। हां सर आगे बढ़ेंगे, आओ फिर आओ, आंसर नंबर डाल दो, जो भी आंसर नंबर हो, जो भी आंसर नंबर हो डाल दीजिए फट से। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सबसे पहली चीज यहाँ पे आ रही है प्रोविजन से रिलेटेड। क्या आ रही है बोलो जल्दी से मुझे, प्रोविजन से रिलेटेड। देखो प्रोविजन क्या कहता है, क्या कहता है आखिर प्रोविजन। ठीक है, आ जाइए। प्रोविजन के पहले सर लिखना होता है एक्ट एप्लीकेबल। क्या हो गया है आज मुझे, एक्ट एप्लीकेबल। देखो अगर आपको सेक्शन ध्यान रहता है तो लिखिएगा, आपको ध्यान नहीं रहता है तो अननेसेसरी बेवकूफी खुद की साबित मत करिएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझो आप बात को, दो चीजें हो सकती है।
पहला आपको हो सकता है कि जमे करके चीजें है ना, आपको बढ़िया सेक्शन याद है बिंदास लिखने का, गलत सेक्शन आपको नहीं लिखना आ रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है, जबरदस्ती टोटका लगाना चाह रहे हो क्या, देख लेंगे ना बीकॉम जैसा तो है, क्या होगा क्या कर लेंगे क्या नहीं, बहुत कुछ कर लेंगे बेटा, समझ रहे ना बात को, बहुत कुछ निपटा देंगे आपको, तो ऐसे केस के अंदर इट्स बेटर कि आप सेक्शन कोट ना करो, ठीक है। आ जाइए तो एक्ट एप्लीकेबल में आप लिखेंगे फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19 बोलो 32 है ना, है ना, हाँ चलिए आइए अब लिखो जिसे अभी तक नहीं पता ईयर का नाम, चुल्लू भर पानी लो और मुंह पे मारो, है ना। आइए प्रोविजन सबसे पहला चालू करें, कैबिनेट एंटर से रिलेटेड पॉइंट कह रहा है वो, है ना, आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिनेट एंटर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिनेट एंटर मींस लेट द बायर बीवेयर, Let the buyer beware. It is duty of buyer. It is duty of buyer to make proper selection of goods, to make proper selection of goods. If goods turn out to be defective, if goods turn out to be defective, seller cannot be held liable. Seller cannot be held liable for buyer's bad choice. Buyer's bad choice या bad selection, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद seller is under no obligation to disclose defects in goods which he is selling, which he is selling. चलिए हो गया क्या, आ जाओ सेकेंड वाली चीज आ जाएंगे, अब सेकेंड वाला पॉइंट लिखेंगे, मतलब सेकेंड वाला सवाल यहां पे क्या पूछा गया था, पहला अपना लिख के हो गया है, हाँ पहला अपना ये हो गया, एक्सप्लेन ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट एंटर करके, ड्यूटी ऑफ बायर अपन ने बता दिया ये चीज। अब दूसरा, वेदर मिस्टर दास वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक और राइट काइंड ऑफ द गुड एज रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग फॉर द पर्पस, तो अब इस चीज के ऊपर अपने को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब लिखो यहाँ पे, चलिए आइए ध्यान दो, भाई साहब देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद ए ए फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज, बी बी गुड्स परचेज्ड
अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम सी गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन डी सेल बाय सैंपल उसके बाद ई सेल ऑफ गुड्स बाय मर्चेंटेबल क्वालिटी सेल ऑफ गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी चलिए हो गया ठीक है। अब देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो। चलो आ जाइए, तो बोला ऐसा जा रहा है कि अपन ने ये आंसर को प्रेजेंट करने का एक तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक्सेप्शन बताया, अब जो इस केस के अंदर परफेक्ट सूटेबल वाली चीज है, बस आपको उसी चीज को ज्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आप सारे सारे पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बराबर ना। तो ऐसे केस के अंदर ये वाली बात यहाँ पे की जा रही है। चलो आ जाओ, ध्यान दो। अब लिखो, इफ बायर रिलाइज ऑन सेलर्स स्किल एंड जजमेंट while purchasing the goods, if buyer relies on seller's skill and judgment while purchasing the goods, then it's upon seller to provide goods of merchantable quality, दो पॉइंट को एक साथ गचकू दिया अपन ने, merchantable quality which shall be fit for buyer's purpose. बायर्स पर्पस जमा है क्या, बोलो मुझे जल्दी से, जमा है क्या, है ना। यस सर। अब लिखो यहां पे, कंक्लूजन चले आगे, बोलो आगे बढ़े क्या। हाँ लिखो यहां पे, मिस्टर दास इज एंटाइटल Mr. Das is entitled to get money back. ठीक है काजल, मैं सोचूंगा इसके ऊपर, है ना। Mr. Das is entitled to get money back as he has already told shopkeeper as he has already told seller about his requirement. And also relied on seller's skill and judgment. जजमेंट, चलो हो गया। चलिए
बोलो जल्दी से मुझे, हो गया बस इतना अपने को लिखना है। आप चेक कर सकते हैं मैंने जो आपको सजेस्टेड दिया उससे आंसर थोड़ा डिफर करने वाला है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था ये लॉ के अंदर आप ऐसा रिजिड मत होइए कि मेरे को आंसर ऐसा ही लिखना है। देखो अल्टीमेटली अपने को पॉइंट्स कवर करना है, जो पॉइंट्स अगर मान लो यहाँ पे अगर फिट फॉर रीजनेबली फिट फॉर पर्पस है मैं वही लिख सकता हूँ। मैं इसको सेलर एक्टिवली कंसील्स डिफेक्ट एंड कॉजिंग फ्रॉड ऐसा नहीं बोल सकता मैं इसको, समझ रहे हैं बात को। तो आप ऐसा खाओ जैसा खाना है खाओ, लेकिन मेन है पॉइंट आपका पूरा आना चाहिए। किसी एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने कंक्लूड फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं लिखे, फैक्ट्स ऑफ द केस के आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलता है। तो ऐसे केस के अंदर फैक्ट्स ऑफ द केस अगर आपको वहाँ पे बहुत टाइम बच रहा है आप लिख सकते हो पेपर के अंदर, नहीं बच रहा है जैसे मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन लिखा मर्ज करके बस वैसा ही कर डालिए, बात आपकी जबरदस्त तरीके से बन जाती है। समझ रहे हो बात को। चलिए आइए, क्या मैं आगे बढ़ूँ, है ना, बोलो जल्दी से क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलो 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 सर आ जाएंगे, ये वाला सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया था, मजा आ गया इसमें। ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर सारे के सारे लोग आएंगे। देखिए What do you understand by caveat emptor? What are the exception of the rule? इसको केवल रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट है लेकिन caveat emptor पहले ही बता दूं। तो आप इसको एक कोई भी क्वेश्चन को मार्क करके रख लो, आपको चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है देखो caveat emptor का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, यहाँ पे कोई भी सेलर की जिम्मेवारी नहीं होती है कोई भी अनफ्लैटरिंग ट्रुथ बताए जो भी गुड्स के बारे में हमने सेल किया है करके, बराबर ना। यस सर। अब देखो देयरफॉर व्हेन अ पर्सन बाइज सम गुड्स ही मस्ट एग्जामिन थरली, तो बोला जा रहा है यहाँ पे आपने गुड्स अगर कोई भी चीज को खरीद रहे हो ना तो ये सेलर तो ये बायर की जिम्मेवारी है कि आपने गुड्स को थरली चेक करना चाहिए। सेकेंड इफ गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सूट फॉर हिज पर्पस और इफ इट डिपेंड्स अपॉन हिज स्किल एंड जजमेंट एंड मेक अ बैड सिलेक्शन ही कैनॉट ब्लेम अदर एनी बडी अदर, मतलब बोला जा रहा है कि बायर के खराब चॉइस के लिए सेलर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होता है यार, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला है। उसके बाद तीसरी वाली चीज द रूल इज इलस्ट्रेटेड इन द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सोगा जो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस फॉर एनी, देखो शब्द यहां पे यूज किया है एनी पर्टिकुलर पर्पस फॉर सप्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आपको चार्जर बेचा है तो आप उसको रस्सी की तरह यूज करो उस पर कपड़े तो वो वायर खराब नहीं होना चाहिए करके, तो आप ऐसा इसमें नहीं बोल सकते। मतलब किसी भी वोल्टेज पर्पस के लिए आप यूज करो, एनी पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, पहले हम आपको बता रहे हैं। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर जो है ना बेटा ये आपको कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बताता है, कौन सा एक्सेप्शन। सबसे पहला फिटनेस एज टू क्वालिटी, फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस, पेटेंट नेम, मर्चेंटेबल क्वालिटी, कंसेंट बाय फ्रॉड और ऐसे अलग अलग चीजों को यहां पे बताया गया है। बस यही वाली चीज यहां पे दी गई है, क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे अभी। राम कंसल श्याम अ मोटर कार डीलर सूटेबल फॉर टूरिंग पर्पसेस, राम सजेस्ट मारुति एंड अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम। अब मेरे हिसाब से रिपीटेटिव सवाल यहाँ पे आ रहा है ना। यस सर, रिपीटेड क्वेश्चन ये लग रहा है हमें, और ये रिपीटेड क्वेश्चन के अंदर कंडीशन और वारंटी वाली चीज है, या आप एक और चीज के अंदर डाल सकते हो फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज, है ना, फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज, क्वालिटी एंड यूज। चलो आ जाइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेयर गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एग्रीमेंट टू सेल हो गया बट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अफेक्टेड। तो ऐसे कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या टर्न आउट हो जाता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड वॉइड टर्न आउट हो जाता है। ठीक है आ जाइए इसको रीड करेंगे कि लिखेंगे, इसको देख के मतलब रीड ही करेंगे इस चीज को भी हम लोग, आ जाओ फटाफट। देखिए इन अकॉर्डिंग विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 7 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इज वॉइड इफ एट टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर perished or become damaged no longer to the answer to the description in contract then the contract is void ab initio। ab agla kya bola ja raha hai, this section is based on the rule that where both the parties to a contract are under a mistake as to the matter of fact then the contract is absolutely void। अब देखिए उसके बाद इन सिमिलर वे सेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स बिकम वॉइड इफ सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द बायर ऑफ द सेलर और बायर पेरिश और बिकम्स डैमेज एज लॉन्ग एज नो आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्शन या जो भी चीज है यहाँ पे बोली गई है सर। इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट सेक्शन 7 एंड 8 अप्लाई ओनली टू द स्पेसिफिक गुड्स एंड नॉट अन एसर्टेन गुड्स इफ एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ अ सर्टन क्वांटिटीज ऑफ अन एसर्टेन गुड्स पेरिशिंग इवन होल द क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स इन द
पोजीशन ऑफ सेलर विल नॉट रिलीव हिम ऑफ द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स। मतलब सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे अगर आपके एसर्टेन गुड्स है, या दूसरे भाषा में कहूँ तो अगर आपके स्पेसिफिक गुड्स है, तो आप डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए यहाँ पे, यहाँ पे बोलो ना क्या सर, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर अनएसर्टेन गुड्स है तो ये सेलर की जिम्मेवारी बनती है कि दोबारा से दूसरे गुड्स लाए, अवेलेबल करवाए किसके लिए, बायर के लिए, दूसरे गुड्स को लाया जाए सर, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या। पुनीत और प्रिंसेस फाइन, तुम्हारा कुछ भलता ही चल रहा है थोड़ा सा बेटा। ये क्या है, अपना एजुकेशन वाला क्लास है ना यार, समझ रहे बात, कोई टिम्बर वगैरह नहीं है ना, है ना, ना ही ये वो फेडग्राम वगैरह। तो एक काम करो ना, थोड़ा सा तुम अगर हो सके तो किसी वो दूसरे, इसके बाद की क्लास है उसकी चैट अभी ना खाली होंगी, थोड़ा वहाँ पे जाके बात करो। यहाँ पे तुम क्या आप सोच के देखो ना, है ना, आओ चलो। क्या पर्सनल स्पेस भी मिल जाएगा और बात भी चल जाएंगी, मेरा ऐसा कहना है यहाँ पे, है ना, आ जाइए। तो मैं अगर बात करूँ आपके साथ, अब देखो, अरे मैं तो बेटा आप समझिए बात को, है ना, मैं प्रमोट कर रहा हूँ इसको, ऐसा नहीं है मैं मना कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, है ना। अटेम्प्ट तो क्या है, आते जाते रहते, अटेम्प्ट का थोड़ी कुछ है, वो तो क्या नवंबर नहीं तो मैं, है ना, समझे आप बात को। लेकिन क्या मूड अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर कैसे बात बनेंगे यार, आप बताइए मेरे को। मूड उनका ठीक करना बहुत जरूरी है, ना वो बोल रहे हैं उनका मूड खराब है, अब आपको उनका मूड ठीक करना होगा, है ना, उसके बाद आप अपना मूड खराब कर देंगे तो फिर आप वो आपका मूड ठीक करेंगे, है ना। चलने दो ये इन्फिनिटी लूप और आराम से चलने दो, ठीक है, चलिए आइए आओ आगे बढ़ेंगे। ये वाला सवाल मेरे को अच्छा लगता है, पर्सनली स्पीकिंग ए प्लस कैटेगरी के अंदर मैं रखने कहता हूँ इस चीज़ को। आ जाओ चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज़ के ऊपर, आगे बढ़ेंगे, सभी के सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। आई बस मैंने सोच रखा है, बिल्कुल क्रोध नहीं करना, आराम से जीवन व्यतीत करना है ना। चलिए आई क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ, सभी लोग ध्यान देंगे, फोकस कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर यार। आओ चलो आ जाइए। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेल ऑफ द गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। याद है आपको बेटा, अगर पेरिशेबल नेचर का होता है या अगर आप नोटिस दे देते हो तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है, गुड्स को रीसेल कर सकता है। बोलो ना क्या कर सकता है, गुड्स को रीसेल कर सकता है। बस वही वाली चीज है यहाँ पे लिखी गई है, आ जाओ देखेंगे ये। अच्छा ये कौन से इसमें आता है मुझे बताइए, अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, गुड्स के अगेंस्ट आते हैं मेरे हिसाब से, है ना। यस सर, अगेंस्ट गुड्स वाली बात यहाँ पे की जा रही है, कहाँ से आ गया यार अब। हाँ ये चलो अगेंस्ट गुड्स के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स। तो राइट ऑफ रीसेल, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल ऑफ द गुड्स इन फॉलोइंग कंडीशन। कब? सबसे पहला जब गुड्स कौन से नेचर के हो बेटा, पेरिशेबल नेचर के हो। यानी कि अगर मैं बात करूँ आपके साथ, जैसे सब्जी हो गई, आप सामने वाले व्यक्ति को सब्जी बेच रहे हो लेकिन उसने अभी तक पेमेंट नहीं दिया, आपको पूरा विश्वास है कि वो व्यक्ति पेमेंट नहीं देने वाला है, तो ऐसे केस के अंदर ये पेरिशेबल नेचर के, तो एक सेलर इसको बेच सकता है, समझ रहे हो आप बात को, इसको बेच सकता है सर, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब मैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलूंगा, सेकंड वाले इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। वेयर ही गिव्स द नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल। जब आपने ऑलरेडी नोटिस दे रखा है तो ऐसे केस के अंदर आप बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाला व्यक्ति अगर रीजनेबल टाइम के अंदर पेमेंट नहीं करता है या टेंडर ऑफ पेमेंट नहीं करता है तो मैं गुड्स को बेच मारूंगा, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और रीसेल प्राइस के बीच में, अगर रीसेल प्राइस आपको कम मिलती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, आप पैसा क्लेम कर सकते हो। दूसरी वाली बात, आप प्रॉफिट को भी रिटेन कर सकते हो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा है तो, और अगर आपको कोई डैमेजेस वगैरह हुए उस डैमेजेस को भी क्या हम लोग यहां पे, मुझे बताइए ना क्या उस डैमेजेस से भी हम लोग रिकवर कर सकते हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर, उस डैमेजेस को भी हम लोग रिकवर कर सकते हैं, ऐसी वाली पूरी चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या। यस सर। अब देखो यहां पे, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट सेलर कैन रिकवर डैमेजेस रिटेन प्रॉफिट ओनली वेन गुड्स रीसोल्ड हैविंग नोटिस ऑफ द सेलर। तब जाके आप प्रॉफिट्स को रिटेन कर सकते हो। एंड इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय द सेलर विदाउट गिविंग एनी नोटिस तो सेलर कैनॉट रिकवर द लॉस सफर्ड ऑन रीसेल करके। मतलब अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो एक सेलर जो होता है अनपेड सेलर, क्या वो लॉस को रिकवर कर पाने वाला है क्या? नहीं सर, वो लॉस को रिकवर नहीं कर पाने वाला है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। मोर ओवर अगर कोई प्रॉफिट भी होता है तो
वो ओरिजिनल बायर को रिटर्न करना होगा उसे। ऐसी वाली बात यहाँ पे सुनो जो मैं कह रहा हूँ, इसको लिख के रखो चार्ट के अंदर। आपको नहीं याद है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। देखो दोस्तों, दो चीज़ें हो सकती है, एक तो नोटिस दिया और दूसरा नोटिस नहीं दिया। अगर नोटिस नहीं दिया तो लॉस हुआ तो क्या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं क्या? भूल जाओ भैया डैमेजेस के बारे में, भूल जाओ। और अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको उसको वापस देना होगा, प्रॉफिट को आप पे करोगे सामने वाले व्यक्ति को। नोटिस दिया तो आप यहाँ पे लॉस को रिकवर कर सकते हो, और प्रॉफिट हुआ तो आप उसको रिटेन कर सकते हो। ऐसी वाली बात यहाँ पे चल रही है, समझे? समझे क्या? बोलो। हाँ चलिए आइए देखो उसके बाद। रीसेल ऑफ अ राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम ऑफ सेल। समटाइम्स अगर एक्सप्रेसली सेलर और बायर के बीच में यहाँ पे लिखा जाता है कि हम लोग यहाँ पे गुड्स को रीसेल करेंगे, अगर डिफॉल्ट होता है पेमेंट के अंदर तो वो गुड्स को बेच सकता है, और यहाँ पे अगर उसको डैमेजेस होते हैं तो वो रिकवर कर सकता है डैमेजेस को भी, उसमें भी कोई बात नहीं है। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है, क्या आप इस बात को समझे? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलिए मुझे क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं, है ना? चलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे सर, आ जाओ। अब देखो राइट ऑफ रीसेल के बारे में बोला है तो इन्होंने पूरे पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन अगर 4 मार्क का आता है तो इसका आंसर अलग होगा, 7 मार्क के लिए आया तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा फिर, है ना? तो ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए सवाल आ रहा है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलो मुझे जल्दी से क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना? चलिए आ जाइए। मिस्टर ए बी कह रहे इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट कब आएगा, मतलब कॉन्टैक्ट एक्ट कौन सा है बेटा यहाँ पे, है ना? अच्छा खैर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ चुका है। मोस्ट आप सर्च कीजिए यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं सभी लोगों को बता दूँ। या दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलो करना स्क्रीन के ऊपर, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊँगा पक्का। आधा टाइम तो आपको चीज़ें बताने में चले जाता है मेरा। bit.ly/IG सर लाइव यहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे CA फाउंडेशन की वीडियो लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिएगा, है ना? उसके बाद देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये जो लिखे आ रहे हैं ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सवाल है, और कुछ नहीं है। ये L1 से लेके L8 तक जितने भी सवाल है ना, ये पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। इस पे मस्त टैप करने का तो आपके सामने है ना लेक्चर खुलेगा इसके। ये देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आज ये बहुत ही प्यारी सी सीरीज। हाँ बस बहुत हुआ, चलो। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। चलो अब शुरुआत करेंगे अब कौन सी चीज को। अब भैया हम तो यूनिट 4 के ऊपर पहुंच चुके हैं, यूनिट 4 के पूरे क्वेश्चंस को देखना है, ताबड़तोब तरीके से पटपट निपटाएंगे इसको भी, और उसके बाद हमारा यहाँ पे हो जाता है सारी चीजें समाप्त। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर। सर क्या यहाँ पे होल्डिंग होल्ड कर सकती है 10 सब्सिडरी? बेटा लेयर्स करके आपने कंसेप्ट पढ़ा है। पहली बात तो CA इंटर का ये चीज है, आज मुझे कोई इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ रहा था ये सवाल, तो मैं बताऊँ तो 2 लेयर तक प्रिस्क्राइब होते हैं। आप 2 लेयर्स तक यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो तब जाके आपकी सब्सिडरीज मानी जाती है। अगर वो लेयर से आगे आप जाते हो, वो कंपनीज तो होती है, वैलिड कंपनीज भी होती है, लेकिन होल्डिंग की वो सब्सिडरी नहीं मानी जाती, उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी मानी जाती है वो। ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? चलो चले क्या आगे, बोलो जल्दी से मुझे क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या। चलिए आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम लोग चालू कर रहे हैं, और अनपेड सेलर के ऊपर के सवाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग, चले आ जाइए। मैं अगर बात करूँ आपके साथ, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोविजन्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लेन करना है अनपेड सेलर कौन सा राइट ऑफ लीन को, उसके अलावा फिर आपको राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को भी समझाना है। ये क्वेश्चन को मैं लिख के देखने वाला हूँ, इसको A+ कैटेगरी के अंदर अब डाल दीजिए, ठीक है? चलो आओ आइए। आदित्य वो भी YouTube के ऊपर अवेलेबल है, आप चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है? आओ चलो देखेंगे आंसर नंबर 1 दोस्तों। चलिए फटाफट ध्यान देंगे अब। दिसंबर वाले स्टूडेंट्स, कल सुबह 9 बजे से तुम लोगों के सेशन चालू हो रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेगुलर सेशन से, ठीक है? आओ पहला YouTube के ऊपर है, सुबह 9 बजे आओ ध्यान देंगे। सबसे पहले तो सर लिखेंगे हम लोग राइट ऑफ लीन के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के बारे में। क्या आप सब लोग हैं तैयार? बोलो मुझे जल्दी से, हाँ सर हमें तैयार। चलिए सबसे पहला लिखो यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सारे के सारे लोग, एक्ट एप्लीकेबल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है? आओ इसके बाद
प्रोविजन। इसके बाद क्या है दोस्तों, प्रोविजन। चालू करें, बोलो चालू करूं मैं अब। राइट ऑफ लीन पहला टॉपिक अपना। देखो अनपेड सेलर, अनपेड सेलर हु इज इन पजेशन ऑफ गुड्स possession of goods may retain them, may retain them until payment or tender of price, payment or tender of price is made in following cases। पहला where goods are sold on credit but credit term expired ठीक है। तीसरा where buyer becomes insolvent। Where buyer becomes insolvent। बराबर है इतना, बोलो जल्दी से मुझे। इसके बाद ये हुआ इसका पहला पॉइंट। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर दूसरा पॉइंट लिखेंगे। सेलर में एक्सरसाइज लीन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर He is in possession of goods as agent or bailee ठीक है, आ जाओ। तीसरा लिखो, can't be enforced
राइट ऑफ लीन इज स्टॉप्ड और कांट बी इन्फोर्स्ड, कांट बी इन्फोर्स्ड, एनफोर्स्ड वंस पजेशन ऑफ गुड्स इज लॉस्ट, इज लॉस्ट। ठीक है, चलो चले क्या हम लोग आगे बढ़े क्या, बोलो जल्दी से मुझे क्या हम लोग आगे बढ़े क्या, है ना। चलिए आ जाएंगे पटपट, अब लिखेंगे सर अनपेड सेलर के बारे में, अब दूसरा हम लोग चालू करेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द प्रोविजन, अच्छा राइट ऑफ लीन और डिस्टिंग्विश बताना है आपको फ्रॉम स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो आप डिस्टिंग, अब देखो अपन ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन केवल इसको करने बोला था इन्होंने, और डिस्टिंग्विश बताना है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के साथ। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, अब सीधा डिस्टिंग्विश के अंदर ही अपने को पहुंचना है यहाँ पे, है ना। चलो आ जाओ, ध्यान दो। किड्स ई गाइड्स, मुझे तुम्हारा समझ नहीं आ रहा, एक तरफ तुम दिसंबर के लेक्चर मांग रहे हो, दूसरे तरफ तुम सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने बोल रहे हो, ये सेशन चल रहे जून वालों के लिए या यार रिवीजन का लास्ट एकदम मोमेंट है ना। तो आइए लिखो, चलो लिखो सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव is to retain possession, objective is to regain possession, हुआ। चलिए दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, चालू करें, बायर मे और मे नॉट बी इंसॉल्वेंट, buyer has to be insolvent। ठीक है, उसके बाद तीसरा, right of lien is exercised before right of stoppage in transit। Right of stoppage in transit starts immediately after right of lien, right of lien। ठीक है, चलिए ये हुआ, चले क्या आगे बढ़े क्या, बोलो। ठीक है, बस तीन चीजें परफेक्ट लग रही, चलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर वन अपना समाप्त होता हुआ, क्वेश्चन नंबर टू को देखेंगे।
Describe the term unpaid seller and when can unpaid seller exercise right of stoppage of goods in transit. तो सर चलिए unpaid seller का मतलब क्या होता है सर. Unpaid seller का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जहाँ पे whole price has not been paid या tendered to be paid. मतलब जैसे 100 रुपया मेरे को देना था seller को, अगर मैंने 100 रुपया पूरा के पूरा नहीं दिया, 90 दिया तो भी मैं unpaid कहलाया जाऊँगा क्या? हाँ सर. या मैंने अगर 100 रुपया offer भी नहीं किया, मैंने अगर offer कर दिया तो unpaid नहीं बोला जा पाए, लेकिन मैंने offer भी नहीं किया ना तो मैं unpaid कहलाया जाऊँगा, ऐसी वाली बात है. मतलब सेलर अनपेड कहलाया जाता है. दूसरा, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया या एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट, लेकिन वो डिसऑनर हो गया. तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी जब आपका डिसऑनर हो जाता है तो मैं कहता हूं आपके साथ कि ये भी अनपेड सेलर की कैटेगरी के अंदर आता है. अब हम लोग समझते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है. जब अनपेड सेलर ने बेटा गुड्स दे दिए कैरियर को, किसे दे दिया? कैरियर को, और बायर उसी समय इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये व्यक्ति कैरियर को कह सकता है कि गुड्स को वापस लेके आ जा, वापस लेके आ जा, तेरा अनपेड सेलर बुलाए रे, है ना. तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है. हाउएवर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप एक्सरसाइज कर सकते हो फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर. कब कब? जब सेलर होता है बेटा यहाँ पे अनपेड. दूसरा क्या? पार्टेड पोजेशन ऑफ गुड्स जा चुका है, गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए और बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है. क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलो दोस्तों मुझे कि आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलेंगे. अभी सभी के सभी लोग आ जाएंगे. आओ. अरे यार गाना ही इतना जबरदस्त है यार. यार चलो आओ, आओ चलो. सुनो, मैं अगर बात करूं आपके साथ, मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर ई फॉर 5 लाख रुपीज ऑन 15 डेज क्रेडिट. ठीक है सर. मिस्टर डी डिलीवर्ड द गुड्स ऑन ड्यू डेट, मिस्टर ई रिफ्यूज टू पे फॉर इट. स्टेट द पोजिशन एंड राइट्स ऑफ मिस्टर डी एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. अब गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है दोस्तों, अब गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है तो गुड्स के अगेंस्ट तो कोई राइट नहीं बचे, तो राइट्स किसके अगेंस्ट बचेंगे अब सर? बायर के अगेंस्ट राइट बचेंगे. अब क्योंकि बायर के अगेंस्ट यहाँ पे राइट बच रहे हैं तो उसके बारे में हम लोगों को सर यहाँ पे पढ़ना है. क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? चलो आ जाइए, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है. तो वही था, सूट फॉर प्राइस है, सूट फॉर इंटरेस्ट है, और वो जो चीज़ें हैं ना बस उसी के अंदर आपको पढ़ना है और उसी चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग बात करेंगे. ठीक है, देखो पोजीशन ऑफ मिस्टर डी. डी ने 5 लाख के गुड्स बेचे 15 दिन केस पे. अब ये अनपेड सेलर कहला जा रहा है और ऐसे केस के अंदर यहाँ पे क्या राइट्स आने वाले मिस्टर डी के पास, अनपेड सेलर के पास, अगेंस्ट दी बायर. कौन से? सूट फॉर प्राइस वो केस कर सकता है पैसों के लिए, यानी कि 5 लाख रुपए के लिए वो केस कर सकता है. डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यहाँ पे जो डैमेजेस है, अगर मान लीजिए मुझे कोई नुकसान हो रहा है उसने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे केस के अंदर क्या डैमेजेस भी मांग सकते हैं क्या? डेफिनेटली डैमेजेस यहाँ पे मांगे जा सकते हैं. क्या इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है क्या? यस सर. देखो अगर स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है बेटा, स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते. लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो रखा है तो ऐसे केस के अंदर क्या आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो क्या? हाँ सर, हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो, अब व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स के रिगार्डिंग बात की जा रही है. 3 प्रकार के राइट्स है बेटा गुड्स के अगेंस्ट. बोलो कौन से? राइट ऑफ, बोलिए ना, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, है ना, उसके अलावा रीसेल ऑफ गुड्स करके, ऐसी 3 चीज़ें यहाँ पे आ जाती है. ठीक है, तो तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया या तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोला गया होगा. आओ देखेंगे. पहले आप देख लो, यहाँ पे अपना राइट ऑफ लीन हो चुका है, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट भी पढ़ चुका है. ये वाली चीज मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ. अच्छा, रीसेल वाला भी तो पढ़वा दिया था, रीसेल वाला भी तो पढ़ा है ना, एक बार पढ़ो. सेम ही सवाल है जो अपन ने अभी तक ऊपर देखे, बस अलग अलग जगह देखे, अब उसको एक सवाल में मर्ज करके इन्होंने डाल दिया है. आप लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे हो, पाप नहीं महापाप कर रहे हो आप बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, है ना. हाँ, आप जानते हो पास होना है तो लाइक करना बहुत जरूरी है. आईसीआई भी चेक करता है ये बंदा आईजी सर के लेक्चर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है करके, है ना. तो आपको देखिएगा, चले क्या अरिजीत सिंह ऑफ अन अकेडमी आई जी सर क्रिकेट में डाल. चलो ये उसका सेकेंड पार्ट है, फटाफट सब लोग चेक करेंगे. अब तो ई बुक भी अवेलेबल हो गई है.
SB, good evening IJ sir, I am your YouTube student and I completed whole law just before 1 month of exam from YouTube and passed exam. Thank you so much sir. Thank you SB. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस amazing सा message लिखने. निशान जब तक मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ नहीं लेता तुमको शांति नहीं मिलेंगी क्या, बता दो मेरे को, तो मैं पढ़ लेता हूँ फिर एक बार. SEO SEO वो सब सारी चीज़ें. चलो क्या मैं आगे बढ़, बोलो मुझे जल्दी से क्या मैं आगे बढ़ूँ क्या अगले चीज के ऊपर. चलो एकदम आसान है क्या, बोलो सवेदय के सारे लोग है ना. चलिए आ जाइए, आओ 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 सभी लोग फोकस करना. क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं. What are the rights of the buyer against the seller if the seller commits the breach of contract under the contract of sale of goods act 1930. तो देखो क्या बोला जा रहा है, अगर सेलर यहाँ पे कमिट करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बायर के क्या राइट्स है सेलर के अगेंस्ट. हाँ ए प्लस कैटेगरी का सवाल है, बायर के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. बायर्स राइट, हाँ ध्यान रखना बायर्स राइट. तो बायर के पास कौन से राइट्स है, बायर के पास क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहला डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, समझना. वेयर द सेलर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर में स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस ऑफ नॉन डिलीवरी. बिल्कुल बिल्कुल, बायर स्यू कर सकता है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी के लिए, ठीक है सर ये भी ठीक है. दूसरी वाली बात देखो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बायर बोल सकता है मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के चाहिए. जब बेटा डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं होती है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अपने को स्पेसिफिक डैमेजेस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या हम लोग कह सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं. और ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए भी हम लोग किया जा सकता है क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है. इसके अलावा रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट को, या आप इंटरेस्ट की भी मांग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है. रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने को रेप्यूडिएशन कहा जाता है. तो आप डेफिनेटली रेप्यूडिएट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप चाहो तो, ऐसी वाली बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है चलो एक बार देखना चाहेंगे आप, एक बार रीड करना चाहेंगे आप, तो बोलो जल्दी से मुझे. ये पेज को देखो फटाफट, ये तीनों पॉइंट को देखो, फिर डन लिख दीजिएगा जैसे ही आपका होता है. चलो डन आ गया, अब नेक्स्ट वाली चीज देख लो पट से, थोड़ा सा पॉइंटिंग में मिस्टेक हुई है यहाँ पे, उसी के ऊपर के कंटिन्यू चलने वाले हैं वो. Thank you.
हो गया। चलो चले क्या आगे बढ़े क्या बोलो आ जाइए। चलो अब देखेंगे सूरज वाला सवाल। सूरज सोल्ड द कार टू सोहम फॉर 75,000 आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन सोहम पेड 25,000 एंड टुक द पोजेशन ऑफ द कार टू पे रिमेनिंग अमाउंट विद इन अ मंथ। लेटर ऑन सोहम रिफ्यूज टू गिव द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द ग्राउंड दैट कार वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन। एडवाइज सूरज एज टू वॉट रेमेडी इज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट द सोहम। तो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सेलर की क्या राइट्स है किसके अगेंस्ट दोस्तों, बायर के अगेंस्ट। मतलब कौन सी वाली चीज़ है यहाँ पे बात की जा रही है, सर वही सूट फॉर प्राइस और वो सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। ठीक है देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आ जाओ इसका आंसर देखेंगे। सेक्शन नंबर 55 कहता है अनपेड सेलर के पास राइट होता है टू इंस्टीट्यूट फॉर अ सूट फॉर अ प्राइस अगेंस्ट द बायर पर्सनली है क्या। यस सर। दिस सेक्शन लेज डाउन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर एंड द बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स या रिफ्यूजेस टू पे फॉर द गुड्स द सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। सेलर क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्यू कर सकते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए। उसके बाद वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द प्राइस इज पेबल ऑन सर्टन डे इररिस्पेक्टिव of the delivery and buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price, the seller may sue him for the price. It makes no difference even if the property in goods has not passed or the goods have not been appropriated to the contract. इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, इससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी पास हुई हो प्रॉपर्टी पास नहीं हो या गुड्स डिलीवर हो गुड्स डिलीवर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने यहां पर क्या करना चाहिए सर, अगर आपने यहां पर बोल के रखा है कि प्राइस पेबल है किसी दिन के ऊपर, तो आपने प्राइस को पे करना चाहिए। सिंपल सी बात, बस इतना हमें समझ में आता है। तो यहां पे क्या रेमेडी होने वाली है, एक तो बचे कुछ अमाउंट के लिए आप केस कर सकते हो, और दूसरा क्या आप इंटरेस्ट भी मांग सकते हो क्या? हां सर, इंटरेस्ट भी आप मांग सकते हो, ऐसी वाली बात है। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्यू ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, और दूसरा क्या बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन द पेंडेंसी ऑफ द सूट। मतलब यहां पे इंटरेस्ट भी आप मांग सकते हो, ऐसी वाली चर्चा यहां पे की गई है। एकदम आसान है। यस सर। अब देखो मेरे हिसाब से ये वाला रिपीटेड सवाल मुझे लग रहा है ना, 5,15,000 का क्रेडिट आर क्यू लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? हाँ सर, वो अनपेड सेलर वाला है, रीसेल ऑफ द गुड्स से रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछा जाना चाहिए। नहीं देखो यहाँ पे वही प्राइस वाला हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, इंटरेस्ट हुआ, जो अपन ने ऊपर देखे थे। अब देखेंगे यहाँ पे, अब उसके बाद देखो रेफरिंग टू द प्रोविजन स्टेट द सर्कमस्टांसेस वेदर द गुड्स डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। अच्छा ये वाला प्रीति वाला सवाल है दोस्तों, ये और वाला सवाल अपन लोगों ने देख चुके हैं, ये भी रिपीटेड सवाल मुझे लग रहा है ना, कि क्या यहाँ पे गुड्स को वापस आ सकता है या नहीं आ सकता है करके। सेल और रिटर्न बेसिस से रिलेटेड है, जहाँ पे प्लेच कर दिया जाता है तो वो अपने आप में माना जाता है कि सेल हो चुका है, और सामने वाले व्यक्ति को गुड फेथ में हुआ है तो यहाँ पे चीज़ें मतलब चले जाती है, या पोजेशन पास होने के कारण यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है अब देखो वॉट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है? स्टेट द असेंशियल रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। प्लीज इसको A++++++ कैटेगरी के अंदर डाल के रख दो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज होने वाली है। ठीक है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कैसे होते हैं आपको ये जानना है, और दूसरा कौन से ऐसे असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं अनएसर्टेन गुड्स को अप्रोप्रिएट करते वक्त जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, उसके रिगार्डिंग यहां पर चर्चा हो रही है या उसके रिगार्डिंग यहां पर बात हो रही है। देखो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, तो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम विद द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर। मतलब गुड्स को अलग करना, गुड्स को सिलेक्ट करना और म्यूचुअली पूछना, समझना, कंसेंट दोनों का लगने वाला है, म्यूचुअल कंसेंट यहां पे लगने वाला है, तब जाके मैं कहूंगा आपके साथ अप्रोप्रिएशन होता है। अब असेंशियल्स क्या क्या है बेटा? तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अनसर्टेन गुड्स का, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटी स्टेटेड होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में आना चाहिए, और अनकंडीशनली आपने उसको अप्रोप्रिएट करना चाहिए। कौन अप्रोप्रिएट करेगा? एक तो बायर, नहीं तो एजेंट या कैरियर। अब अप्रोप्रिएशन है ना, उसके लिए आपको असेंट लगने वाला है। अगर सेलर अप्रोप्रिएट कर रहा है तो बायर का असेंट, और बायर कर रहा है तो सेलर का असेंट, मतलब एक दोनों ने उस चीज के ऊपर कंसेंट देना है, दोनों ने उस चीज के ऊपर अप्रूवल देना है। असेंट
एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी रह सकता है, और असेंट हो भी हो सकता है बिफोर या आफ्टर अप्रोप्रिएशन दिया जाए, ऐसी वाली बात यहाँ पे होती है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, समझे क्या, है ना? यस सर। अब एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अनपेड सेलर्स राइट एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्वेश्चन नंबर वन। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, मतलब समझना बात को, ध्यान रखना, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ आपके साथ कि ऐसा वाला सवाल आया था। अब ये इस बार के आरटीपी एमटीपी में लेटेस्ट में आया होगा, इसलिए डालने में यहाँ पे आया है। मतलब सवाल तो कई बार पूछा जा रहा है, तो ये अच्छा बन सकता है। एग्जाम में आया तो बेवकूफ़ी मत करना जहाँ पे आप राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों को एक्सप्लेन करके डिस्टिंग्विश दे रहे हो। नहीं, सवाल को अच्छे से पढ़ो। समझाने बोला है केवल और केवल अनपेड सेलर केस को, राइट ऑफ लीन को, तो राइट ऑफ लीन को ही समझाना है। इसके अलावा किसी दूसरे भलते ही चीज को समझाऊंगे, मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, आ जाइए। अब देखो, डिस्क्राइब टर्म अनपेड सेलर, व्हाट कैन अनपेड सेलर एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। क्या ये भी रिपीटेड सवाल लग रहा है क्या? हाँ सर, ये भी रिपीटेड सवाल है। मतलब इस बार के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू में पूरे रिपीटेड सवाल डाल दिए गए हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये वही 5 लाख का क्रेडिट यहाँ पे 15 दिन के इसमें वो लैप्स हो गया, तो बता दो आपको एक बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है। तो सर राइट है यहाँ पे प्राइस के लिए हमारे पास राइट है, इंटरेस्ट के लिए हमारे पास राइट है, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देखो, प्राइस के लिए, इंटरेस्ट के लिए और डैमेजेस के लिए हमारे पास राइट रहने वाले हैं। आई थिंक सो यहाँ पे आपका सोगा हो जाता है समाप्त। यस यस सर, सोगा यहाँ पे होता है समाप्त। अब हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को चालू करने वाले हैं। पार्टनरशिप एक्ट को हम लोग 7 तारीख को चालू करेंगे। 7 तारीख को सुबह 9 बजे भी आपका सेशन होगा और शाम में 8 बजे भी आपका सेशन होगा, है ना? तो पार्टनरशिप एक्ट को हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट वाली चीज के अंदर। आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कौन सा, बोलिए मुझे, आज हमारा कंप्लीट हो जाता है सोगा, पूरा पूरा चीजें हो जाता है। क्या आप इस बात को समझे? होप सो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा हो करके अब सारे चीजों को देखते हुए, और इतने सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा हो। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, मेरा लिटरली गला इतना ज्यादा बैठा हुआ और इतना पेन में है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मतलब सोच नहीं सकते हो इतना ज्यादा। अदरवाइज मैं कल क्लास रखने वाला था बट नहीं रख पाया, तो बस यही वाली चीज है। बट वही है यार, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, होप सो आपके लिए ये चीज यूजफुल रह रही हो और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हो। ठीक है, सारी चीजें आप ही के लिए की जा रही है। अच्छे से पढ़िए, खुश रह के पढ़िए यार, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। देख लेंगे जो भी होगा, अननेसेसरी आप रिजल्ट का टेंशन मत लीजिएगा। रिजल्ट का टेंशन लेंगे आपका आज का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है उस चीज के चक्कर में। तो एंजॉय करते हुए पढ़िए, जैसा जितना पढ़ा है यार उतने आपको मार्क्स मिलने वाले, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। बस ये वाली बात है, अगर आपने मेहनत की है, शिद्दत से मेहनत की है, एकदम फेथफुल तरीके से मेहनत की, आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने से, अच्छे से पास होने से, कोई नहीं। अननेसेसरी डर के अपने चीजों को, अपने लक्ष्य को बिगाड़ मत दीजिएगा, बस मेरा यही कहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि आप इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं और आप विजिट कीजिए इस लिंक के ऊपर। मैंने आपके लिए वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट करके रखा हूं, जिससे आपको क्या मिल जाता है, जिससे आपको यार एकदम बढ़िया तरीके से आपको एक्सेस मिल जाता है लाइब्रेरी का। जितने भी मेरे सेशंस हुए, पूरे सेशंस को आप देख सकते हो, राइट? मैराथन सेशन हमारा हो चुका है, प्लस ये आइकॉन, एक दो प्रकार के सेशन होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल पे क्या पढ़ाता हूं बेटा, सीए इंटरमीडिएट में लॉ पढ़ाता हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप लोगों को लॉ के बैच में देखने के लिए, तो प्लीज मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आप और मैं मिलके इसी तरीके से सीए इंटरमीडिएट के लॉ को भी डिशुम डिशुम कर दे। प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के आप जानते हैं सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, सेम चीजें आइकॉनिक में, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, ठंडा मतलब कोका कोला, कोड मतलब आईजी सर, इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिएगा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। सेम गोज विद द कॉम्बो, आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, अगेन आप यहाँ पे आईजी सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सेशन को देखने के लिए, होप सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहो। बाय बाय, मिलते हैं परसों, हम लोग शुरुआत करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, सुबह 9 बजे होंगे आप लोगों के साथ मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक